नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको संत एकनाथ जी का बहुत ही प्रेरणात्मक प्रसंग सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है पूजा हो तो ऐसी। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी की कहानी? हाँ, उन्हीं की कहानी सुनाऊंगी। सुनोगे ना? हाँ हाँ दीदी, सुनाइए। बहुत पुरानी बात है, संत एकनाथ जी को हिमालय पर्वत से गंगोत्री का जल दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम के शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत मन था। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ जी और बाकी सभी संत 14 दिनों की पद यात्रा कर महाराष्ट्र से गंगोत्री पहुँचे। सभी ने पवित्र गंगोत्री में स्नान किया और उसके बाद अपने अपने मटकों में पानी भर के पूजा पाठ और भोजन से निवृत्त हो रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। पैदल यात्रा कर गंगोत्री से रामेश्वरम पहुंचने में 25 से 30 दिन तक लग जाते हैं। उस समय भीषण गर्मी का मौसम था, चारों ओर प्रकृति सूखे की चपेट में थी। नदी नाले तालाब आदि सब सूख गए थे। इतनी गर्मी और दुर्गम रास्ते को पार कर सभी संत दक्षिण भारत के पठार तक पहुंच चुके थे। अब रामेश्वरम कुछ ही दिन की दूरी पर था। चलते चलते संतों के समूह को रास्ते में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु कावड़ का जल तो रामेश्वरम के लिए था। यह सोचकर उन सभी ने अपने मन को कड़ा किया और यात्रा चालू रखने की सोची। परंतु संत एकनाथ जी से रहा न गया। उन्होंने तुरंत अपनी कावड़ में बंधा मटका खोला और सारा पानी गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद मानो गधे को नवजीवन प्राप्त हो गया, वह उठकर चलने लगा। संतों ने एकनाथ जी से कहा, आपने गधे के प्राण तो बचा लिए, किंतु एक महीने से भी ज्यादा दिन पद यात्रा कर जो आप गंगोत्री से रामेश्वरम जल चढ़ाने निकले थे, उस पुण्य से आप अब वंचित ही रह गए। इस पर एकनाथ जी बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। इस गधे को मरते देख मुझे लगा कि स्वयं रामेश्वरम के भगवान शिव ही मुझसे इस जीव के रूप में पानी मांग रहे हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के निमित्त कावड़ के पानी से इस जीव के प्राणों की रक्षा करके ही मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य का अनुभव हो रहा है। यह कहकर एकनाथ जी वहीं से वापस अपने गांव की ओर लौट गए। एकनाथ जी का आचरण देख संत बोले, सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर है मानवीयता का पालन। यही ईश्वर की सच्ची उपासना भी है और इसी से सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। हम सभी संत यह बात जानते तो है, परंतु आज एकनाथ ने अपने आचरण से इस बात को मान्यता दे इसे साबित कर दिया। सभी संत मन ही मन एकनाथ जी के सामने नतमस्तक हो गए और रामेश्वर की ओर अपनी बची हुई यात्रा के लिए निकल पड़े। तो बस इतनी ही थी आज की कहानी। बताइए, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें परोपकार को हर पूजा अर्चना से आगे रखने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल ठीक। इस कहानी में एकनाथ जी हमें यह सिखा रहे हैं कि सच्चा पुण्य किसी को मुसीबत में छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए पुण्य कमाने पूजा करने जाने से नहीं मिलने वाला। हाँ, उन्होंने कहानी में कहा है कि ईश्वर तो हर जीव में है, अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरे की सहायता करने से ही सच्चा पुण्य मिलता है। बहुत बढ़िया। परोपकार से मिले पुण्य, बोलो। परोपकार से मिले पुण्य। इस सीख को गांठ बांध कर याद कर लेना और अपने जीवन में सदा इसका आचरण यानी पालन करना। इसी सीख के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ भारती। जय माँ भारती।